तो इस तरह से आगे आगे रेफरी मंडली साथ में दोनों ही टीम बजरंग एफसी बरहरा बांका बिहार और एफसी बागमारा गोड्डा के बीच में ये लीग चरण का ये अंतिम मुकाबला खेला जाए। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हैंडशेक, आपस में सभी खिलाड़ी करते हुए जो कि येलो कलर की जो जर्सी है वो है बजरंग एफसी बरहरा। काफी जबरदस्त मुकाबला होगा। एक तरफ है बरहरा बांका बिहार तो दूसरी तरफ है बागमारा गोड्डा एशन टूडू और 9 में सोनू कुमार हंसदा, 3 में यहां पर खेल रहे परिमल मरांडी, आपकी 4 में एफसी बागमारा की ओर से। मैच बहुत ही हाई वोल्टेज का होगा। बिल्कुल तो कथा का बागमारा रेन मुखिया साहब बड़ी दिलचस्पी यतादा और उनीगी नवा टीम रेन मनजर कना है इन दिलते इन सरहाविया। अगर हमरे मुखिया साहब जनप्रतिनिधि इन एक्टिव है तहन खाई निश्चित तौर रे उना पंचायत चितान ते चला और बड़हरवा हो बड़ी मौज मौज प्लेयर इन जेले कोस सूरज जैसा खिलाड़ी नवा टीम रे फुटबॉल व्यू रियल संभावना मिला। बड़हरवा गोलकीपर कौशल हेमराम, कौशल तो 10 नंबर जर्सी देगी सूरज मुर्मू, अड़ी खतरनाक खिलाड़ी के सूरज जर्सी नंबर 15 लग कटी में चपा से मुकादा नाटी गजन खिलाड़ी गजब का पास जर्सी नंबर 6 लग लेकिन 6 जब रन बनाए कम है ना तब तक ये और बताए लेकिन राजेंद्र ये बिल्कुल अटैकिंग के तरफ जिस तरह से यहाँ पर एफसी बागमारा की टीम देखिए शॉट वहां से रिलीव नहीं कर पाए थे। इस बार बढ़िया पास सुबोध के लिए, सुबोध के पास क्रॉस करने का अच्छा मौका लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक से। मुझे लगता है इस फील्ड का हाव भाव और खुद को यहाँ पर बेहतर करने के लिए थोड़ा सा टाइम, अपने हाथ में कोई हड़बड़ाहट नहीं, एक अच्छा पास यहाँ पर बनता हुआ फ्लैग हवा में तब उठेगा जब ऑफसाइड का यहाँ पर लाभ लेंगे। वहां पर देखा कि बॉल को नहीं छू रहे हैं, पीछे से कोई खिलाड़ी वहां पर आके बॉल को लेते तो मौका बन सकता था। यहां पर बांका बिहार के लिए, बांका बिहार की टीम थोड़ी सी दबाव में, अच्छे लय में बागमारा बॉल पोजीशन लगातार उनके पास अटैकिंग जोन में पहुंचने का प्रयास एक बार फिर से बागमारा लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन क्लियरेंस। फॉर्मेशन दिख रहा है एक लेफ्ट बैक राइट बैक और 2 सेंटर फॉरवर्ड के साथ, खतरा यहां पर हो सकता है लेकिन रॉन्ग टैकल और ऐसे में एक और बढ़िया चांस हाथ से फिसलता हुआ एफसी बागमारा अच्छे लय में। अटैकिंग लगातार वो कर रहे हैं मनुदा लेकिन उस तरह का तेज़तर्रार शॉट अब तक रिलीज नहीं कर पाए। बिल्कुल समीर बड़ी टॉप खिलाड़ी के ना कदा बागमारा टीम से कोने जुड़े हुए कदा और जल में थोड़े मौका मिला लेकिन ऑफसाइड होगा निश्चित और गोल। बहुत ही अच्छा मौका, उसको कोई मार्क नहीं कर रहा था, 1-0 की बढ़त मिल जाएगी एफसी बागमारा की टीम को इस मुकाबले में। सोनू कुमार ने प्रकाश टूडू जो रेफरी मंच में बैठे हैं आप स्टेज में आ जाएंगे। एक 0 की बढ़त अभी है बागमारा के पास, बागमारा 1 बड़हरा बंका 0। ज्यादा फसला नहीं है लेकिन दूसरे गोल की तरफ यहां पर बागमारा की टीम एफसी बागमारा वो जान रहे कि एक गोल मेरे लिए उतना बड़ा नहीं है, दूसरा गोल वो यहां पर करने के लिए जरूर प्रयास होगा जल्द ही डी बॉक्स के भीतर में लेकिन क्लियरेंस अग्रिम पंक्ति के लिए, क्या वहां पर पास बन जाएगा बांका बिहार के लिए। लगातार उम्दा प्रदर्शन फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में भी मनोज दा, बिल्कुल उम्दा प्रदर्शन लेकिन ऑफ साइड
जर्सी नंबर 900 परंतु वाला गोल साफ सुथरा गोल बागमारा गोड्डा लग हालांकि 15 नंबर थोड़ा तयोमी चलेगा चाहे फॉरवर्ड लाइन कौन रेडी संगा रहे गाती गिना 15 और 10 हालांकि 12 नंबर बॉल कंट्रोल करा और 15 संजय और सूरत तला रहे अटी बढ़िया मिट्टी गैप तहकना और उन्हें गैप या पूरा इस्तेमाल करते हुए बॉल कंट्रोल करा कोई मौका बन ये तला रहे फॉल हुई करा की क्रिया इशारा हुई करा कि जल्दी न थे हो करा लेकिन रक्षा पंती से बड़े भी सही करा 9 नंबर आर हो गोल रहा पोजीशन रहे लेकिन थोड़ा गान खिलाड़ी तयोंगना सोनू कुमार हंसदा हालांकि 12 नंबर फिर से सोनू लेकर ने बनाओ था इस बीच कटी मचा पास लेकिन कोई खतरा बन हरी जी जाने लगा था जर्सी नंबर 12 शमीर कुमार हेमरम लेकिन कोई फायदा बन मौका गवाओ ना गोलकीपर वहां दिशा को बढ़ती भी जी गेंद हो आए एक नाम चाचा जे हम कभी भी हम चितान रे गोल रुवड़ हुई धड़िया खना चाचा जे बागमारा चितान रे दबाओ लेकिन बॉल हतावा ससांग जर्सी वाली टीम बिहार रन टीम बैक रन खिलाड़ी ज्यादा बैक डाको गोल बागमारा उना लिखाते ससांग जर्सी रन ने खिलाड़ी लहा ती कुचलाव दी किना और तिनक लहा इन की फायदा हुआ अटी बढ़िया थ्रोइंग हुई के ना हालांकि 13 नंबर हेर कते बेहतरीन रब्बा लगाओ कदा सोनू लग लेकिन उन्हें कोई खिलाड़ी बांग ग्राउंड पास जर्सी नंबर 2 हुसून कुड़ा अड़ी जबरदस्त पास डुक कदा मौका मिला लता लता ते दी कदा खिलाड़ी गेंद के पीछे लेकिन ददड़ के ना चीप बॉल की रुकावा से बांग जी नहीं रद रदाओ कदा ने दी कदा बहुत ही सुंदर सुबोध कुमार खतरनाक शॉट बाय लगा दाड़ी जा गेंद नंबर बॉल कंट्रोल दो इसके बाद रन बना तो निश्चित तौर पर सिरा चपटी जा रही गया लेकिन कोई फायदा बा गेंद हवा रे लहराओ का ना टप्पा खिलाओ अचूकते बारिया तला बारिया खिलाड़ी काफी करीब फोन सुबोध ना बोले डुक कदा और सोनू लगे ने सरकाओ कदा सोनू गोल कते आरमो का तो उत्साहित बनाया दूसरी गोल तरह लगे बॉल में कंट्रोल का और पास बहुत बढ़िया 12 नंबर बॉल कंट्रोल शबीर लेकिन शबीर आ जगह कोई गेंद नो चिटको ना नतीजा गेंद है ना बरहर वाला दो बरहर वाला मैगा ती के दा दड़ आ दस तो ही पड़ा ऑफसाइड होना ये गेंद अड़ा दा गोलकीपर आया बॉल कंट्रोल का दा 2 नंबर लगा लेकिन 2 नंबर 5 नंबर मार दी तेरा लेकिन 5 है बॉल हारे की पूछ के दा ये इन ये ऑफसाइड जब नहीं है होना लगाते गेंद हवा रे लहरा तो बहुत ही सुंदर बीच टंडी रहा ऑफसाइड निश्चित तौर पर ऑफसाइड लेफ्ट राइट बना बहुत ही सुंदर नजारा जबरदस्त नजारा खतरनाक नजारा लेकिन कोई मौका नहीं आइए लहसे ले अंजुम लगा मंसूर और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं आज का ये बड़ा मैच धुआंधार झन्नाटेदार मैच चलता हुआ सबों के बीच बरारा बांका बिहार वर्सेस एफसी बागमारा जो बागमारा की तकते हैं फिलहाल ये मैच चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच एक बार फिर से असिस्टेंट निर्णायक का इशारा आता हुआ लंब ऑफ साइड की टीम को किक किया है बेहतरीन शॉट अपने साथी को देने का प्रयास लेकिन दिशाहीन शॉट करारा जवाब देते हुए उधर से बरहरा के खिलाड़ी ने बॉल को रिटर्न किया फिर से हेड करने का प्रयास बेहतरीन प्रयास बरारा के पास बॉल से छिनी फिर से बांका बागमारा के पास बॉल 12 नंबर के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर से अटैकिंग